फ्रेंड्स तो प्रेजेंटली मैं डिस्कस कर रहा हूँ इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट वेव राइट तो एक्चुअली इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव है क्या ऑलरेडी ये डिस्कशन हो चुका है ये एक्चुअली आपका सुपर पोजिशन ऑफ द लाइट वेव बोल सकते हो आप ठीक है ना सुपर पोजिशन ऑफ द लाइट वेव्स ओके और सुपर पोजिशन में एक्चुअली देखा जाए तो ये टोटल वेव डिस्टर्बेंस कैलकुलेशन है टोटल वेव डिस्टर्बेंस कैलकुलेशन ठीक है इसका एक मैंने इक्वेशन लिखा था वाई एक्स टी इज इक्वल टू वाई वन एक्स टी प्लस वाई टू एक्स टी ठीक है ना ये होता है वेक्टर सम होता है ठीक है और इंटरफेरेंस देखा जाए तो इसमें आपका जो कनेक्टेड इक्वेशन है आई इज इक्वल टू आई वन आई टू प्लस टू अंडर रूट आई वन आई टू कॉस डेल्टा फाइव राइट right. मतलब एक तरह से देखा जाए तो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है दो सोर्स ऑफ लाइट के लिए उसी को हम लोग क्या बोलते हैं इंटरफेरेंस बोलते हैं ठीक है ना आपका डेल्टा फाई अलग अलग होगा अलग अलग पॉइंट पर ठीक है तो ये हुआ तो जैसे इसमें अब हम लोग बात करते हैं अब मान लो आप ऐसा है एक सोर्स है एस वन इधर दूसरा एस टू है कोई आप यहाँ पर पॉइंट ले लो ठीक है तो ये अभी जैसे कोई वेव इधर से जा रहा है ये वेव उधर से जा रहा है ठीक है अभी फिलहाल ये मान लो दोनों जो है S1 वन एंड एस ये आपका कोहरेंट सोर्स है कोहरेंट सोर्स है ऐसा मान के चलो कि इनिशियली इनका जो फेज डिफरेंस डेल्टा फाई या तो जीरो है या तो डेल्टा फाई कांस्टेंट है जब ये दोनों यहाँ पर हैं ठीक है लेकिन जब ये यहाँ पर इंटरफेयर कर रहे हैं दोनों लाइट तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसमें ये थोड़ा ये जो पाथ दिख रहा है ना एक्स्ट्रा पाथ है डेल्टा एक्स तो डेल्टा एक्स को अपन लोग क्या बोलेंगे इसको हम लोग बोलेंगे पाथ डिफरेंस क्या बोलेंगे पाथ डिफरेंस तो अभी क्या है कि ये पाथ डिफरेंस के चलते भी यहाँ पर हमें फेज डिफरेंस मिलेगा राइट तो इनमें एक रिलेशनशिप होता है डेल्टा फाइव इज इक्वल टू टू पाई बाई इलेमडा डेल्टा एक्स राइट ये लामडा क्या हो गया वेब लेंथ ऑफ एवरी वेव ठीक है ये क्या हो गया वेब लेंथ ऑफ एवरी वेव राइट right. ये जो दिख रहा है लैमडा ये हो गया वेवलेंथ लेंथ ऑफ एवरी वेव ओके okay. वेब लेंथ ऑफ एवरी वेव ठीक है तो ये एक अपने इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप हो गया डेल्टा फाइव टू पाई लैमडा डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स क्या हुआ पार्ट डिफरेंस हो गया ठीक है ना यह आपका ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस बोलते हैं इसको डेल्टा फाइव को डेल्टा एक्स को और डेल्टा फाइव इसका यूनिट क्या होगा रेडियन होगा ठीक है ये यूनिट रेडियन और इसका यूनिट क्या होगा मीटर तो ये आप समझ रहे हैं डेल्टा फाइव और डेल्टा एक्स में ठीक है और ये टाइप ऑफ इंटरफेरेंस भी आप जैसे लाइट वेव का इंटरफेयर करता है तो इंटरफेरेंस का जो टाइप होता है कंस्ट्रक्टिव और टाइप्स टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस राइट तो इसमें कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। तो इसमें आई का जो वैल्यू होगा आई मैक्स होगा और ये आई जो होगा आई मेन होगा राइट तो आई जो होगा आई वन आई टू टू अंडर रूट आई वन आई टू कॉस डेल्टा फाइव तो इसमें ये वन होना चाहिए एंड डेल्टा फाइव क्या हो जाए टू एन फाइव एन ज़ीरो वन टू लाइक डैट ठीक है तो ये रिक्वायर्ड कंडीशन हो गया सेम मैनर इसमें आई मीन तो इसका मतलब कि ये कॉस्ट डेल्टा फाई कॉस डेल्टा फाइ माइनस वन होना चाहिए और डेल्टा फाई टू एन प्लस वन पाई ठीक है डेल्टा फाई टू एन प्लस ठीक है एन इजकल टू जीरो वन टू लाइक डैट एजेंटेड अगर एन जीरो पुट करेंगे तो पाई तो कॉस पाई कितना होता है माइनस वन होता है ठीक है तो कॉस्ट डेल्टा फाइव का वैल्यू कितना हो चाहिए माइनस तो ये रिक्वायर्ड कंडीशन हो गया ठीक है तो देख लीजिए आपका ये रिक्वायर्ड कंडीशन किसके लिए कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव के लिए कितना डेल्टा फाइव टू एन पाई एन इजकल टू जीरो वन टू डॉट डॉट एंड डेल्टा फाइव इजकअल टू टू एन प्लस वन पाई राइट एन इजकल टू जीरो वन टू थ्री इसके बाद आप इसमें इसको आप चाहो तो पाथ डिफरेंस के भी टर्म में सोच सकते हो कंस्ट्रक्टिव और ये डिस्ट्रक्टिव ठीक है तो डेल्टा फाइव इसमें कितना रहा है टू एन पाई आ रहा है और डेल्टा फाई इज इक्वल टू टू पाई बाई लैमडा डेल्टा एक्स तो टू एन पाई इज इक्वल टू टू पाई बाई लैमडा डेल्टा एक्स तो टू पाई गया तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एन लैमडा ठीक है एन इज इक्वल टू जीरो वन टू लाइक डैट तो ये हो गया कंस्ट्रक्टिव के लिए किसके टर्म में डेल्टा एक्स के टर्म में पाथ डिफरेंस के टर्म में इन द सेम मैनर आप डिस्ट्रक्टिव के लिए भी कर सकते हैं डिस्ट्रक्टिव के लिए तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू टू एन प्लस वन ये अपन पाई हुआ और टू पाई बाई लैमडा और डेल्टा एक्स इज इक्वल टू टू एन प्लस वन पाई तो ये आपका पाई गया तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू टू एन टू एन प्लस वन लैमडा बाई टू एन इज इक्वल टू जीरो वन टू लाइक दैट ठीक है टू एन प्लस वन लैमडा बाई टू तो दीज आर द रिक्वायर्ड कंडीशन डेल्टा एक्स इजल टू एन लैमडा दिस इज द फॉर द कंस्ट्रक्टिव एंड डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू और टू एन प्लस वन लैमडा बाई टू दिस इज कंडीशन फॉर द डिस्ट्रक्टिव राइट तो ये रिक्वायर्ड कंडीशन हो गया ठीक है ना और ये आप आई मैक्स और आई मीन का वैल्यू जैसे कितना हो गया आई मैक्स कितना हो जाएगा आई मैक्स हो गया आई वन प्लस आई टू प्लस टू अंडर उट आई वन आई टू बिकॉज कॉस डेल्टा फाइव कितना हो गया वन तो आई मैक्स कितना हो गया आपका ये आप ऐसे लिख सकते हैं इसको अंडर रूट आई वन अंडर रूट आई टू प्लस टू अंडर रूट आई वन आई टू तो रूट आई वन प्लस रूट आई टू होल स्क्वायर ठीक है उसी तरीके से आई मीन आई मीन हो जाएगा रूट आई वन स्क्वायर रूट आई टू स्क्वायर माइनस टू अंडर रूट आई वन आई टू माइनस तो आई मीन इज इक्वल टू अंडर रूट आई वन अंडर रूट आई टू का होल स्क्वायर ओके तो इट मीन्स आई मैक्स अपॉन आई मीन इज इक्वल टू अंडर रूट आई वन प्लस अंडर रूट आई टू अंडर रूट आई वन आई टू होल स्क्वायर तो आई होप आप ये सब मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है और इसमें कोई ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ठीक है अब देख लो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना आई मैक्स और सिंप्लीफाइड मैनर करो इसको आई I मीन mean, तो अंडर रूट आई वन बाई आई टू ऐसा प्लस वन एंड अंडर रूट आई वन माइनस आई वन बाई आई टू माइनस वन होल स्क्वायर ठीक है तो कभी कभी आई वन आई टू के रेशियो में क्वेश्चन जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ आई वन इज टू आई टू वन बाई फोर तो आई मैक्स uh, और बाई आई मीन क्या होगा तो आप डायरेक्टली लगा सकते हैं आई वन बाई आई टू प्लस वन होल स्क्वायर एंड आई वन बाई आई टू माइनस वन होल स्क्वायर ठीक है तो इसमें आपका कितना हो गया अंडर रूट वन बाई फोर प्लस वन का होल स्क्वायर अंडर रूट वन बाई फोर माइनस वन का होल स्क्वायर तो वन बाई टू प्लस वन होल स्क्वायर वन बाई टू माइनस वन होल स्क्वायर तो थ्री बाई टू का होल स्क्वायर तो नाइन बाई फोर एंड वन माइनस वन बाई तो वन बाई फोर तो नाइन इज टू वन राइट तो ये हो गया आपका रिक्वायर्ड रेशियो ठीक है तो आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो सब चीज़ ठीक है और उसी तरीके से जैसे कुछ हो उस पर करते हैं इंटरफेरेंस का कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव होना किस पर डिपेंड करता है कि आप जो सोर्स यूज कर रहे हैं ना उसका तो वेबलेंथ या फ्रीक्वेंसी। देखिए मतलब एक एनालिसिस करते हैं क्वेश्चन वाइज या जो भी ऐसा मान लीजिए एस वन है और एस टू है यहाँ पर इंटरफेयर हो रहा है ये मान लो आप थ्री मीटर ले लो और ये ले लो आप फोर मीटर ठीक है ना तो यहाँ पर इंटरफेयर हो रहा है यहाँ से लाइट जा रहा है ये लैम्डा मान सकते फ्रीक्वेंसी एफ लैम्डा एफ तो अब यहाँ से वेव जा रहा है तो हमको कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव के लिए कितना लैमडा या फ्रीक्वेंसी का नीड होगा मान लीजिए इसका लाइट है तो इसका स्पीड सी है सी मतलब थ्री इंटू टेन टू पावर थ्री इंटू टेन टू पावर एट मीटर पर सेकेंड तो यहाँ पर डेल्टा एक्स देख लो आप तो ये थ्री है ये फोर है तो ये फाइव होगा तो फाइव माइनस थ्री हाउ मच दिस टू मीटर राइट तो डेल्टा फाइव टू पाई बाई लैम्डा डेल्टा एक्स तो टू पाई बाई लैमडा और डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा टू uh, तो मतलब फोर पाई बाई लैमडा और अब मान लीजिए हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए बोल रहे हैं तो कंस्ट्रक्टिव एन लैमडा ठीक है डेल्टा डेल्टा फाइव तो ये हो गया टू पाई बाई लैम्डा डेल्टा एक्स और इसका कितना हो जाता है टू एन पाई डेल्टा फाई का टू एन पाई इज इक्वल टू फोर पाई बाई लैमडा तो ये गया आपका और टू से ये तो लैमडा इज इक्वल टू टू बाई एन लैमडा इज इक्वल टू टू बाई एन या सी इज इक्वल टू एफ लैमडा तो आपको एफ़ इज इक्वल टू सी बाई लैमडा तो सी बाई टू बाई एन तो सी एन बाई टू तो ये आपका रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी हो गया मतलब आपका एन इक्वल टू ज़ीरो वन टू थ्री ठीक है तो जीरो तो नहीं एक आपका आ, कोई नंबर लेंगे तो वन तो सी बाई टू टू लेंगे तो सी और थ्री लेंगे तो थ्री सी बाई टू इस तरह से ठीक है तो ये रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी या रिक्वायर्ड वेब लेंथ इन द सेम माइन और डिस्ट्रक्टिव के लिए तो डिस्ट्रक्टिव के लिए भी आपका वही कॉन्सेप्ट लगेगा लगा दो क्या लगेंगे डेल्टा एक्स कितना आ गया और टू आ गया एंड डेल्टा फाइव टू पाई बाई लैमडा डेल्टा एक्स तो डेल्टा फाइव तो फोर पाई बाई लैमडा एंड टू एन प्लस वन पाई बाई टू राइट टू एन प्लस वन पाई बाई सॉरी टू एन प्लस वन पाई डेल्टा फाइव इज इक्वल टू टू एन प्लस पाई फोर पाई लैमडा तो ये कटा तो लैम्डा इज इक्वल टू आपका फोर बाई एन प्लस वन एंड सी इज इक्वल टू एफ लैमडा तो एफ इज इक्वल टू सी बाई लैमडा तो सी एंड यह लैमडा का वैल्यू पुट करेंगे तो टूएन प्लस वन बाई फोर तो ये हो गया आपका एफ का वैल्यू ठीक है सी इज इक्वल टू एफ लैमडा एफ इज इक्वल टू सी बाई लैमडा तो दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू तो ये हो गया आपका इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट वेव्स ठीक है इसका एनालिसिस भी हो गया तो ये काफ़ी यूजफुल है टाइप्स आप समझ रहे हैं कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ओके थैंक यू